परेशान हो गया यहाँ जब से फिरते हैं रात को भाई। यहाँ पे वही सीन हो जाता है स्टार्ट। हिडन प्लेस पे आपको एक अलग से लड़की दे दी जाएगी और वही वो भाई पूरी ओपन होके आपके सामने वही डांस वांस करेंगे। हनोई बहुत ब्यूटीफुल है, हनोई की गर्ल्स बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मॉडर्न है। आप आएँ एंजॉय करें यहाँ पर। गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमें हनोई में और पिछला वीडियो आपने देखा कि हम गए थे ट्रेन मार्केट और मैंने दिखाया क्या क्या आप वियतनाम में घूम सकते हैं। पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके देखें। और अभी हम आ गए हैं वापस मार्केट में, मैं जा रहा हूँ मेरे हॉस्टल और आज रात को ही यहाँ पे हूँ मैं, फिर कल यहाँ से निकल जाऊँगा। तो आज रात की नाइट लाइफ वगैरह भी थोड़ा जो भी है कुछ नया आज दिखाते हैं, तो स्टे ट्यून ऑन द वीडियो। सो गुड इवनिंग गाइज, और आपका भाई भाई अब फिर से निकल चुका है स्ट्रीट पे। मैं रूम पे था, थोड़ा रिलैक्स किया, चिल किया, दोस्तों के साथ थोड़ी बातचीत की और अभी हम निकल गए। करते हैं एक्सप्लोर, देखते हैं आज क्या कुछ नया मिलता है या कौन सी नई जगह आज एक्सप्लोर करते हैं। इस वीडियो में बने रहे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो रोज़ की तरह वही नाइट लाइफ सेम वैसी की वैसी हो गई है। बढ़िया यार, ये जो प्लेस है ना सबसे खतरनाक वाली प्लेस यही है, सबसे बेस्ट प्लेस यही है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा भाई, जगह नहीं है भाई बैठने की बिल्कुल भी जगह। ये जो है ना मेन सेंटर जो चार घोड़े जाती है, यहाँ पे आप आ जाना तो मजे आएंगे आप। ये वाली भी बेस्ट है, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉप वगैरह बार वगैरह है। वैसे पिछला वीडियो आपने देखा है पर फिर भी अगर कोई नए हैं इस वीडियो पे तो मैंने कहा चलो उनको भी दिखा देते हैं। जो 1900 है भाई यहाँ पे तो एंट्री फीस है करीब 250,000 डोंग, तो एंट्री फीस भारी है इसकी, क्लब की जो है 700-750 रुपये एंट्री फीस है उसका। लेकिन आप यहाँ पे आराम से आप इस जगह पे बैठ सकते हैं, बैठ के आप आराम से चिल कर लो तो भी ठीक है। यू कैन सी ऑल आर चिल। ये हमारे हॉस्टल के ही है भाई सब लोग, कुछ फ्रेंड्स वगैरह पहले जा रहे थे पर मैं आया नहीं उस समय यार, मैं थका हुआ था तो मुझे रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे आपको थोड़ी कम पब्लिक मिलेगी, पब्लिक यहाँ पे भले ही ज़्यादा नहीं है लेकिन आप यहाँ पे आराम से आप चिल कर सकते हो, मतलब थोड़ा पीसफुली अगर आपको, तो फिर ये जो बार है यहाँ पे अंदर बैठने की अच्छी जगह है। आप अगर किसी के साथ है ना तो फिर अंदर जाओ,
और आराम से आप बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप अकेले हो तो फिर कुछ बाहर की साइड में ना भाई, वहाँ बैठो आप तो नज़ारे वगैरह आपको अच्छे खासे देखने को मिलते रहेंगे। अभी ये बाहर आ गए, अभी यहाँ पे कुछ लोग आएंगे, वो अप्रोच करेंगे, क्या लड़की ले लो, ये ले लो, और ये फिर तो ये तो था जो शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया। लेकिन अभी कुछ और नया कोशिश करता हूँ, कहीं दूर जाने की भी कोशिश करता हूँ, अगर कहीं कोई क्लब वगैरह कोई मिलता है तो लेट्स सी। बाकी तो मसाज पार्लर वगैरह है ये, मसाज आप मसाज बहुत महंगी है यार यहाँ पर, मसाज की प्राइस बहुत बहुत ज़्यादा महंगी है यहाँ पर। ये देखो फुल बॉडी मसाज बहुत ही ज़्यादा महंगी है भाई, सस्ती से सस्ती करोगे तो भी आपको 1000 रुपये समथिंग लग जाएगा मसाज का। सो भाई फिर से कोई इंसिडेंस देखो, मैं वॉकिंग कर रहा था और हमारे भाई साहब फिर से मिल गए और इनके साथ एक और ब्रदर, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? Antonio. He's from France. Yeah. France. Belgium. Same. India. We all are together and enjoying in Hanoi. Hi. Tattoo lover hai yaar ye to. देखो भाई यहाँ पे एक नोज है, और देयर इज अ लेडी फेसिंग, ओह माय गॉड यू आर सो भाई, यहाँ पे इनको तीर घुसा रखा है चेहरे पे, एंड ओह माय गॉड, व्हाई यू दिस टैटू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टैटू? इट्स नो अफ्रेड फॉर डेथ, नो अफ्रेड, नो स्कैरी फॉर डेथ, strong survivor, yeah. ठीक है भाई, एक्चुअली हर टैटू का एक नियम होता है, एक उसके पीछे एक स्टोरी होती है, सही है। ओह दैट्स गुड, दिस इज सिगरेट, शो मी, या दिस इज सिगरेट, गुड सिगरेट लाइटर। तो भाई ये मजे हैं यहाँ के, घूमते रहो आपको पता भी नहीं चलेगा कब रात के 1-2 ऐसे ही बज जाएंगे। अगर आप सी फूड लवर है तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा सी फूड मिलेगा, जस्ट ये हनोई बैकपैकर हॉस्टल के सामने, और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ सी फूड। What is the name of this? Oyster in English. Oyster. Okay, English. Aur bhai ye this one also hoit clam. Clam inside. Yeah. Inside this the product. The food is inside, yeah? Yeah. Oh. Good. And what is that? Scenario with snail. Scenario. Okay. Scenario. And this is snail. And this is crab. Looking so yummy. How much price for lobster? 200. 200 का लॉबस्टर है एक, मतलब हो गया करीब 600 रुपए का। Small 200 and big one. And one million. One million. Okay. One million. Very heavy. So भाई देख लो, exotic आपको seafood यहाँ पे मिल जाए। And how about crab? One piece crab? 300 for yeah. One piece yeah. Cab, okay. And 150 150 इसका, yeah. तो ये 500 पड़ेगा, वो पड़ेगा 1000 रुपए का, बड़ा है ऐसे भी। ऐसी ग्राफ है, ग्राफ ऐसी ग्राफ। तो भाई देखा आपने, सी फूड में खूब वैरायटी है और बहुत अच्छी वैरायटी, पूरे मार्केट में कहीं नहीं है, इधर ही है। तो अगर आपको खाना है तो आप यहाँ आ सकते हो, अगर सी फूड लवर है तो। एंड थैंक यू भैया, थैंक यू अमान। तो भाइयों अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर आपके लिए फूड में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, जैसे ये कौन है, हाउ मच प्राइस ब्रो? 50 मीन्स हो गया करीब 150 रुपये समथिंग में। Oh,
काफ़ी अच्छे यहाँ पे नज़ारे मिलते रहते हैं, पब्लिक जो है वो आती जाती रहती है, सो दैट इज़ गुड यार। आप बोर नहीं होंगे अगर आप ऐसी जगह आउटसाइड में बैठते हैं तो। आइसक्रीम है ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, इट्स कोल्ड, इट्स कोल्ड। बाकी 14,000 रुपीस की है और ये है आइसक्रीम, दैट्स गुड। सो भाई साहब अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और देख लो अब रेस्टोरेंट धीरे धीरे बंद होने स्टार्ट हो गए हैं, पब्लिक जो है वो वापस जाने लग गई है और ये माहौल है, लेकिन ये माहौल रहता है 2 बजे से लेकर 3 बजे तक भी, फिर भी माहौल रहेगा और 3 बजे के बाद बिल्कुल शांत हो जाएगा। और भाई पूरे टाइम मैं घुमाऊँ, अभी खाया था मैंने क्या वो बानमी, सबसे बेकार यार, बहुत गंदा बानमी था, 100 रुपये का था लेकिन इतना बकवास था। तो बानमी 25 से आप बानमी खा सकते हो, वो सब छोड़ो, अभी करते हैं हम बात मुद्दे की, क्योंकि मैं परेशान हो गया यहाँ जब से फिरते हैं रात को। भाई यहाँ पे वही सीन हो जाता है स्टार्ट, जितने भी ये ग्रैब वाले हैं, जितने भी ये बाइक वाले हैं, ये सारे भाई आपको घेर लेंगे, पता चलेगा कि आप टूरिस्ट हो तो आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे कि भाई ये मसाज कर लो, गर्ल ले लो, बूम बूम ये वो, मतलब हर तरीके से, इवन आपको फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाएंगे मोबाइल के अंदर और एक वीडियो वगैरह भी दिखाएंगे जिसमें भैया वो क्लब जो होता है ना वैसा वैसा चल रहा है, तो मैं खुल के तो नहीं बता सकता क्योंकि ऑब्वियस है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में ज़रूर बताता हूँ ताकि आपको इस स्कैम में ना फंसो या फिर आप जब यहाँ आओगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी। तो होता क्या है, आप जब भी जाओगे बाइक वाले ग्रैब वाले सब आपको घेरेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो दिखाएंगे आपको फ़ोटोज़ वगैरह अगर आप एग्री हो गए। मुझे बहुत लोगों ने परेशान किया तो फिर मैंने कहा, सबको मना करता था नहीं 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 नहीं, फिर मैंने कहा यार चलो एक बार पता तो करें, कम से कम आप लोगों के लिए मैं पता करता हूँ कितना क्या प्राइस है, क्या है और क्या सिस्टम है इनका, वो सब पता करते हैं। कैमरे पे शायद डस्ट है, डस्ट हटा दें, ठीक है। तो फिर बंदे से मैंने पूछा, हाँ भाई बता, आप तू खुल के बता मेरे को, मैं सुनना चाहता हूँ कि हाँ क्या कितना प्राइस क्या। तो फिर वही है, एक तो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, ठीक है, चाहे आप मसाज लो, उसमें सिस्टम क्या होता है, ये आपको लेकर जाएंगे एक जगह पे, एक जहाँ पे एक हिडन इनका प्लेस होता है, हिडन प्लेस पे आपको एक अलग से लड़की दे दी जाएगी और वही वो भाई पूरी ओपन होके आपके सामने वही डांस वांस करेंगे, 1 घंटे के लिए आपके साथ वो डांस करेगी और जो भी आपका मनोरंजन करेगी, मतलब ये सब सिस्टम है इसका। उसने प्राइस बताया 1.5 मिलियन, ठीक है, 1.5 मिलियन आप समझ सकते हो कितना होता है, 1.5 मिलियन डोंग मतलब 1,500,000 डोंग वियतनामी करेंसी, बहुत ज़्यादा है भैया, बहुत ज़्यादा है, मतलब करीब हो गए 5,000 रुपये समथिंग, ठीक है। फिर अगर आप दूसरा और यार मैं नहीं जानता मुझे खुल के बात करनी चाहिए या नहीं इस बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस सब में ना पड़े, बस उस सब में ना फंसे। एक बार अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया तो फिर वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपके मोबाइल नंबर ले लेंगे और आपको उस जगह पे भी लेके जाएंगे, और फिर अगर आप नहीं कुछ करोगे तो फिर आपके साथ कोई चीटिंग वगैरह भी हो सकती है, स्कैम भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा के आया हूँ, सच बता रहा हूँ, पीछे ही पड़ गए, नंबर दे दो ये वो, मैंने कहा नहीं भाई, क्यों, मैं इंफॉर्मेशन ले रहा था चलो आपको सबको बताने के लिए, तो भाई ऐसा सीन है, ठीक है। और दूसरा वो बोला था कि आप अगर चाहते हो तो पूरी रात भी आप ले सकते हो, और उसमें ये कितना बताया उन्होंने, 4 मिलियन
4 million मतलब कितना होता है पता है? ये हो गया आपका करीब 10 से 14 हज़ार रुपये, 14 हज़ार समथिंग या 12-14 हज़ार समथिंग 15 हज़ार बोलता है। वियतनाम यहाँ पे बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए यहाँ पे महंगा है। थाईलैंड में सस्ता है बट यहाँ महंगा है, यहाँ पे ये वो पीछे ही बढ़िया भाई। हाँ तो भाई मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सब में ना पड़े, बचें, बस कुछ नहीं करें, मना कर दें। नो आई डोंट हैव इंटरेस्ट भाई। इतने मिलेंगे आपको, आप रात को घूमेंगे, रात को यही सीन चल रहा है सारा, कंप्लीट यही सीन चल रहा है। और कुछ हद तक बाकी गर्ल्स का तो मैं नहीं कह सकता कि वो घूम रही थी, वो उनका नहीं कह सकता, लेकिन ये जो है ना एजेंट टाइप के ये लोग भैया, हर ग्रैब वाला सारा यही बना हुआ है, क्या कर सकते हैं। दिन में तो वो सवारी छोड़ते हैं और रात को भैया ये उनका ये अलग बिजनेस, क्योंकि इनका कमीशन होता है, ऑब्वियस है। अगर वो डील सेट कराते हैं तो कमीशन होता है, और अगर डील सेट नहीं हुई तो भैया स्कैम भी हो सकता है। और अगर आपके साथ स्कैम हुआ तो कौन आपको, पुलिस भी आपको साथ नहीं देगी, क्योंकि आप जा ही रहे हो ऐसी एक्टिविटी करने के लिए, कोई साथ नहीं देगा। प्लीज़ ऐसा कुछ भी आप ना सोचें। और अगर हनोई में अगर आप आते हैं तो ये सब को आप भूल कर एंजॉय करें, पार्टी में जाए, क्लब में जाए, या भैया कोई रिस्क नहीं है, सच बता रहा हूँ। ये जो बियर स्ट्रीट या जो भी किसी भी क्लब में चले जाओ आप आराम से, कोई चीटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा काम है यहाँ पे आपका। लेकिन अगर कुछ चलता है तो वो भैया सीक्रेटली चलता है वो, और वो इन एजेंटों के चक्कर में वैसा ही होगा। तो आई थिंक मैंने बहुत बहुत खुल के बताया है, क्योंकि बस ठीक है, मैं खुद बहुत थक चुका हूँ यार अभी तो। अभी भाई सोते हैं, अब जाऊँगा, मेरा हॉस्टल आ गया बिल्कुल पास का, हॉस्टल में जाके सो जाऊँगा। और आई होप आज लास्ट में हनोई हूँ, फिर मैं शायद हनोई से कल नई ट्रिप पे जाऊँगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, स्कैम से बचें और पार्टी वगैरह इसका एंजॉय करें। चलो, हनोई बहुत ब्यूटीफुल है, हनोई की गर्ल्स बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मॉडर्न है, आप आएँ एंजॉय करें यहाँ पे और अच्छे खासे नज़ारे लें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कीप ट्रैवल एंड कीप एंजॉय योर लाइफ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी तो वियतनाम की सीरीज़ स्टार्ट हुई है, आगे देखो आप और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, जो जैसा दिख रहा है, जो जैसा चल रहा है, मैं वैसा ही दिखाता हूँ। अब उसमें कुछ गलत है तो गलत सही, आई कांट डू एनीथिंग। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। विच वन? विच गोल? सोते सोते जाओ तो ठीक है, लेकिन भाई बैठने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है इधर।